चलिए इस बुलेटिन में सबसे पहले बात जोधपुर से आ रही बड़ी खबर की। मंडौर कृषि मंडी व्यापारी के साथ 12 लाख की लूट, देर रात 2:30 बजे की बताई जा रही है घटना। 007 गैंग का बताया जा रहा है हाथ। पुलिस टीम रात से ही जुटी है पड़ताल में, महामंदिर पुलिस थाना क्षेत्र का मामला। व्यापारी के साथ 12 लाख की लूट हुई है महामंदिर थाना क्षेत्र में, ये वारदात हुई है। व्यापारी के साथ 12 लाख की लूट की वारदात महामंदिर थाना क्षेत्र में, जोधपुर से ये बड़ी खबर। और राजीव गौड़ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, 12 लाख की लूट हुई है इस व्यापारी से, हालांकि गैंग का नाम भी सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम में अब तक? ये तीन लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर के आए थे, फलोदी से एक 12 लाख रुपए का भुगतान आया था, दलालों को वितरित किया जाना था, लेकिन जिस तरीके की घटना सामने आई है, इस गैंग का नाम सामने आया, इस गैंग में 53 लोग बताए जा रहे हैं कुल मिलाकर के जोधपुर रीजन के। तो आप सोचिए कि कई बार वो हथियार जो जिस तरीके से हाथों में लहरा करके जो वीडियो जारी हुआ था, खूब सारे हथियार बरामद किए गए थे। तो ये पूरा मामला है, लगता है कि अब एक बार फिर यही 007 ने पुलिस की नाक पे दम किया। इसमें लगता है कि पूरा जब मामला खुलेगा तो इसमें कौन कौन थे, इसके पीछे कौन मास्टर माइंड पता लगेगा। लेकिन ये बात है कि 12 लाख रुपए की लूट का मामला महामंदिर पुलिस से पहुंचने के बाद में नाकेबंदी की गई है। खुद डीसीपी धर्मेंद्र सिंह मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नाकेबंदी के साथ ही एक एक व्यक्ति को ग्रामीण इलाके में जो मंडोर से नागौर का रास्ता जाता है या जैसलमेर बाड़मेर की जैसे जोधपुर के लिए जयपुर के लिए रास्ता जाता है, सभी जगह नाकेबंदी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी स्थिति में अगर कोई गाड़ी का नंबर आ जाए तो उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव, ये जो व्यापारी है क्या उन्होंने कुछ बताया है कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम के, ताकि जो पुलिस है उसको तफ्तीश में और ज्यादा मदद मिल पाए? देखिए निश्चित रूप से वो जो निशानदेही है वो जिस चौराहे से सारी चीज जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और लगता है कि पुलिस जिस तरीके से अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, वो टीमें जब पड़ताल करेंगी और अगर 1% भी कोई फोटो कोई वीडियो अगर मिल गया तो लगता है कि उससे जांच आसानी होगी।